नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव का हुआ रंगारंग आगाज। वक्ताओं ने कहा, विक्रमशिला के विकास के लिए मुख्यमंत्री से करेंगे बात। भागलपुर मनवाड़ी कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ शुभारंभ। शिक्षकों ने कहा, शोध के क्षेत्र में खुलेगी नई राह। मुंगेर एसपी लिपि सिंह ने दियारा इलाके में चलाया छापेमारी अभियान। जमकर हुआ मुठभेड़, एक इनामी अपराधी सहित 2 गिरफ्तार। टीएमबीयू कॉपी बिक्री मामले में प्रति कुलपति पर उठ रहे हैं सवाल। कुलपति ने कहा, स्नातक से जुड़े मामले की जवाबदेही प्रोवीसी के पास। और होली को लेकर शराब की बढ़ी तस्करी। जीरोमाइल पुलिस ने ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। अब समाचार विस्तार से। पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव का शनिवार से शुभारंभ हो गया। महोत्सव का उद्घाटन भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल, कहलगांव विधायक सदानंद सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार, पूर्व विधायक अमन पासवान, भागलपुर SSP आशीष भारती, कहलगांव DSP रेणु कृष्ण, DDC सुनील कुमार एवं कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी सुजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव में जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सभी अतिथियों को चंदन का पौधा देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्वागत गान गाकर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। महोत्सव में बॉलीवुड के मशहूर गायक शब्बीर कुमार ने अपनी सुरीली आवाज में दर्जनों गाने गाए एवं स्थानीय कलाकारों के द्वारा भी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मंच का संचालन आकाशवाणी भागलपुर के विजय कुमार मिश्र ने किया। साथ ही महोत्सव में सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। भागलपुर मड़वाड़ी कॉलेज में शनिवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हो गया। टैकून रिसर्च डेवलपमेंट के तत्वाधान और ICSRD एवं TMBU द्वारा अनुदानित सेमिनार में देश विदेश के कई विद्वानों ने शिरकत की। वहीं सेमिनार का उद्घाटन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय, प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, वित्त पदाधिकारी विजयमल प्रसाद, वित्त परामर्शी पद्मकांत झा, प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार, आयोजन सचिव डॉक्टर दीपो महतो और आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व संगीत विभाग के छात्रों ने कुलगीत और स्वागत गान की प्रस्तुति दी। अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और पौधा देकर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को नेपाल के डॉक्टर इंदु शेखर, डॉक्टर देवेंद्र अधिकारी, TMBU के डॉक्टर जगधर मंडल, CCDC के KM सिंह समेत कई शिक्षकों ने संबोधित किया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार और डॉक्टर दीपो महतो ने अपने संबोधन में सेमिनार का उद्देश्य बताया और कहा कि इस तरह के आयोजन से शोध के क्षेत्र में नई राह खुलेगी। मंच का संचालन डॉक्टर स्वास्तिका दास ने किया। मौके पर सेमिनार के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर केतन कुमार मिश्र, डॉक्टर आर्यन ठाकुर, लेफ्टिनेंट राजेश रंजन, डॉक्टर कमल प्रसाद, NSS के मृत्युंजय कुमार, युवराज समेत कई शोधार्थी और छात्र छात्रा मौजूद थे। आज मारवाड़ी कॉलेज में एक अंतर्राष्ट्रीय 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका थीम है स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इंटरनेशनल शॉर्ट एनालिसिस इन एकेडमिक रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग किसी भी रिसर्च में जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसका स्ट्रेंथ, फिर उसका वीकनेस, उससे फिर क्या अपॉर्चुनिटी है और फिर उसका क्या थ्रेट्स है, इसी पर आज चर्चा की जाएगी। इसका जो मेन मुद्दा है आज के सेमिनार का, वो उद्देश्य है क्या कि हमारे समाज को इस तरह के सेमिनार और टॉपिक से क्या लाभ मिलना चाहिए। सेमिनार तो पूरे भारतवर्ष में हर दिन कहीं ना कहीं हर एक विश्वविद्यालय में कॉलेजेस में होते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो सेमिनार है, जैसे अभी हमारे महानुभाव ने बताया शॉर्ट एनालिसिस के बारे में, SWOT जो फुल फॉर्म है, स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपॉर्चुनिटी एंड थ्रेटनेस, हमारे पास क्या है, क्या जरूरत है और इन सारी चीज़ों को समाज के रूप में कैसे एक
अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए। अगर मुंगेर एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में हरिनमार थाना अंतर्गत झौवा दियारा इलाके में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान 50,000 इनामी अपराधी कुख्यात मृत्युंजय यादव उर्फ करका और उसके सहयोगी श्याम पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एसपी लिपि सिंह को दियारा इलाके में किसी व्यक्ति की हत्या के इरादे से अपराधियों के एक जगह जमा होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष रणनीति बनाई। एसपी ने एसटीएफ, एसओजी और जिला पुलिस बल के साथ दियारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान मक्के की खेत में छिपे अपराधियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस जवान भी फायरिंग करते हुए आगे बढ़े और एक इनामी अपराधी मृत्युंजय यादव को पुलिस से लूटे हुए राइफल के साथ दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में गोलियां भी बरामद हुई है। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पकड़े गए अपराधी ने दो लोगों की हत्या करने के लिए एक जगह जमा होने की बात कही, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। एसपी ने कहा कि पकड़े गए इनामी अपराधी पर 4 हत्या सहित 7 मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक राइफल, एक बंदूक, देसी कट्टा और 32 गोलियां बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान एसडीपीओ हरिशंकर कुमार, इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह, एसटीएफ इंस्पेक्टर विकास कुमार, थानाध्यक्ष शैलेश कुमार और रंजन कुमार के अलावा जिला पुलिस के जवान मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में परचेज एंड सेल कमेटी की अनुमति के बिना और बगैर टेंडर के बेची गई पुरानी कॉपी से प्राप्त राशि जमा कराने के मामले में एक ठेकेदार राजकिशोर प्रसाद गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। ठेकेदार ने 27 फरवरी की शाम दानापुर यूको बैंक से TMBU के अकाउंट में 9,20,010 रुपये जमा कराए थे। बताया जा रहा है कि चेक इलाहाबाद बैंक की TMBU शाखा में जमा पर्ची के साथ जमा किया गया। इससे पहले जब कॉपी बिक्री की गई थी तब राशि जमा करने के लिए परीक्षा विभाग से TMBU के कैश सेक्शन के पास फाइल भेजी गई थी, जिसे कैश सेक्शन ने यह कहकर लौटा दिया था कि वित्त पदाधिकारी की अनुमति नहीं है। वहां से सफलता नहीं मिली तो बिना वित्त पदाधिकारी और रजिस्ट्रार के अप्रूवल के ही राशि बाहर बाहर जमा करा दी गई। सूत्रों ने बताया कि 28 फरवरी को जब रजिस्ट्रार को राशि जमा होने की जानकारी मिली तो उन्होंने कैश सेक्शन से इसकी पड़ताल की थी, जिसमें यह बात सामने आई। कॉपी बेचने के मामले में कुछ जानकार लोगों ने बताया कि अप्रूवल प्रभारी कुलपति प्रोफेसर AK राय ने दिया था, इसलिए यह तो जांच का विषय है कि उन्हें यह प्रक्रिया पता थी या नहीं। साथ ही यह भी जांच का मामला है कि बिक्री का प्रस्ताव देने वाले प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद ने अपने स्तर से पड़ताल क्यों नहीं की। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 24 फरवरी को हुई प्रेस वार्ता में प्रभारी कुलपति ने कहा था कि स्नातक स्तर से जुड़े मामलों का जिम्मा प्रतिकुलपति का होता है। हमारे पास प्रपोजल आया कि सर कॉपी रखने की जगह नहीं है। हमने कहा कि देखिए आप एक्ट स्टैट्यूट को देखिए, अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन के होल एंड सोल होते हैं प्रोवाइजेशन से, एक्ट में लिखा हुआ एडमिशन टू पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। अब देख लीजिए उसमें उनका ओपिनियन आया तो यह मेरा फर्ज बनता है कि सेकंड कंस्टिट्यूशनल पोस्ट पर कोई विश्वविद्यालय में अगर है बैठा हुआ और वह कोई सलाह दे रहा है तो हम कैसे उसको डिनाई कर दें कि गलत सलाह है। तो हमने कहा कि भाई एड पर रूल जैसा होता है आप करिए, उसको हम दस्तखत किए होंगे, हम उसमें डिनाई नहीं कर रहे कि हमने किए होंगे। लेकिन बेचने की जो प्रक्रिया है वह दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर कहीं घोटाला भी और कोई भी बातें उठती हैं तो वहीं पर उठती इन द सेंस है कि जिस रेट पर पहले कॉपी बिकी थी क्या उससे कम रेट पर बेच दिया गया। दूसरी बात ये उठती है, वो कह रहे हैं कि 10 क्विंटल बिका या 10 टन बिका या 20 टन बिका, क्या 20 टन बिका या न बिका, ये हुआ। तीसरी चीज़ें हैं कि जो कमेटी के मेंबर थे उन लोगों का सबका दस्तखत है कि कोई एक अलग सिंगल आदमी करके काम चला लिया। होली त्योहार को लेकर शराब की तस्करी बढ़ गई है। शनिवार को 0 माइल पुलिस ने एक ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। दरअसल 0 माइल पुलिस को शराब की बड़ी खेप तस्करी कर ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद थानाध्यक्ष राज रतन के नेतृत्व में रानी तालाब स्थित माउंट असिसी स्कूल की गली में एक ऑटो की तलाशी ली गई। इस दौरान ऑटो के अंदर छुपा कर रखी गई 200 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर ऑटो के नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक का पता लगा रही है। भागलपुर 0 माइल चौक पर शनिवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक ओर से जा रही ट्रक में दूसरी ओर से आ रही बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिससे बाइक पूरी तरह ट्रक के चक्के के नीचे आ गया, जबकि बाइक सवार को घटना में मामूली चोटें आई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में ट्रक के नीचे दबे बाइक को बाहर निकाला। इस दौरान घटनास्थल के समीप लोगों की भीड़ जुटी रही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई।
कैंपस कवर्ड बाय सीसीटीवी, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर, सजौर, नाथनगर, भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी। चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जी छो बसंतपुर, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के गुरट्टा चौक के समीप बर्तन दुकान में अचानक आग लग गई। आग लग जाने के कारण दुकान में रखी हजारों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दुकान में रखा सिलेंडर लीक हो जाने के कारण आग पकड़ लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान ने विक्रमशिला खुदाई स्थल के बाहर शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। धरना के दौरान विधायक ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह अपने क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कर रहे हैं, उस तरह कहलगांव अनुमंडल स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रति जागरूक नहीं है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग काफी आक्रोशित हैं। मौके पर पवन भारती, विनोद कुमार, जनार्दन आजाद सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। विक्रमशिला का जो ये उपेक्षित हुआ है तो बहुत दिनों से बिहार सरकार के द्वारा, हम लोग उसका विरोध करते हैं। विक्रमशिला महोत्सव का जो है हम लोग स्वागत करते हैं और होना भी चाहिए महोत्सव, लेकिन बिहार सरकार द्वारा ये विक्रमशिला महोत्सव को जो है उपेक्षित रखा जा रहा है और ये जो है इनको विक्रमशिला दिखाई ही नहीं दे रहा है। भागलपुर में खुले में मांस मछली बिकने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा भी दुकानदारों को नोटिस भेजा गया है। वहीं शनिवार को सामाजिक संस्था जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से भिकनपुर त्रिमूर्ति चौक के समीप मीट व्यवसायियों के बीच बैनर का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने खुद सभी दुकानदारों को आकर्षक बैनर उपलब्ध कराया और सभी से खुले में मांस मछली नहीं बेचने की अपील की। डॉक्टर अजय ने बताया कि बैनर में दुकानदारों का नाम समेत उनके दुकान से जुड़ी सूचना भी अंकित की गई है। वहीं बैनर मिलते ही मीट कारोबारियों ने अपने अपने दुकान के सामने बैनर टांग दिया और पर्दे के पीछे बैठकर काम करने लगे। मौके पर जीवन जागृति के सोमेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। जीवन जागृति सोसाइटी का मुहिम चल रहा है कि बिना ढके हुए खाना नहीं बेचें, और ये मीट के दुकान में तो बहुत मुश्किल है, लोग बाहर ही निकाल काटता है खस्सी को, बकरी को। तो हम लोगों ने डीएम को लिख के भी दिया था और उस पर सरकार द्वारा कुछ एक्शन हुआ, लेकिन कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ। हम लोगों ने इनसे बैठकर बात की कि क्या आप लोग चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ढक के बेचना चाहते हैं। तो एक्चुअली दुकान अपनी नहीं है, इसलिए शीशा वाला लोग नहीं लगाना चाहता है। तो हम लोगों ने ये सुझाव दिया कि हम लोग अभी बैनर देते हैं फर्स्ट टाइम आपको, और इसके बाद आप खुद बैनर लगाए लें तो इस तरह से ढक के दुकान में बेचना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको एक फ्लैग्स के रूप में इसका दुकान का नाम, मोबाइल नंबर और उसको 5 फीट नीचे लटक कर दिया, जो दोनों का काम कर रहा है, पर्दा का भी और इसके बोर्ड का भी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतिम दिन शनिवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में टीकाकरण अभियान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने टीकाकरण की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताया, जबकि स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य अधिकारियों ने मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लोगों ने जमकर लुफ्त उठाया और कलाकार की भरपूर सराहना की। मौके पर मंत्रालय के अधिकारी प्रतिनिधि एवं अलग अलग विभागों के प्रतिनिधि और कलाकार मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का विरोध शुरू हो गया है।
शनिवार को मड़वाली कॉलेज में छात्रों ने हिंदी विभाग के अतिथि शिक्षक डॉक्टर मंजीत कुमार सिंह को हटाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कुलपति का छात्रों ने घेराव किया और डॉक्टर मंजीत कुमार सिंह को पद पर बनाए रखने की मांग की। साथ ही मांग पत्र का ज्ञापन प्राचार्य द्वारा कुलपति को सौंपा। वहीं कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने कहा कि वह किसी भी शिक्षक को हटाना नहीं चाहते हैं। कुलपति ने छात्रों को बताया कि सरकार के आदेश पर ही कुछ शिक्षकों को हटाया गया है। हमारे हिंदी विभाग के एक शिक्षक हैं अतिथि शिक्षक, उनको हटा दिया गया है, तो उनको उनके वापसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर वो चले जाएंगे तो हमारा सिलेबस अधूरा रह जाएगा और उन सभी प्रोफेसर का बटा हुआ है, उन्हें क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, अगर वो चले जाएंगे तो फिर हमारा कुछ सिलेबस अधूरा छूट जाएगा। भागलपुर के छोटी गंजरपुर SM कॉलेज रोड स्थित बिरला ओपन माइंड प्री स्कूल का उद्घाटन शनिवार को समारोह पूर्वक किया गया। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जबकि कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों ने स्कूल प्रबंधन के प्रयासों की जमकर सराहना की। स्कूल की निर्देशक विजया मोहिनी ने कहा कि पढ़ाई तो हर जगह होती है, लेकिन बच्चों में संस्कार देना एक अलग बात है। बिरला ओपन माइंड प्री स्कूल में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराने के साथ समाज एवं बड़ों के बीच किए जाने वाले व्यवहार के बारे में बताया जाएगा। फ्रेंचाइजी ऑनर्स सुष्मिता अम्बस्ट ने कहा कि बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार मिले, जिससे भविष्य में बड़े होकर बच्चे एक अच्छा इंसान बन सकें। वहीं फ्रेंचाइजी मैनेजर विजय आनंद ने कहा कि स्कूल में बच्चे और उनकी माताओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे बच्चे जब स्कूल से घर आएं तो माताएं भी बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सके। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना ठाकुर, राजीव कांत मिश्रा, जियाउल रहमान, सरोज सिन्हा, आलोक कुमार सिंह के अलावा काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए, जहाँ तक मेरा बिरला ओपन माइंड में मैंने नाम सुना और मुझे ये पता चला कि 2 साल से बच्चों को स्कूल में दिया जाता है और उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वो बचपन से ही एक सही इन्वायरमेंट लेते हैं। आज का समय ऐसा है कि घर में बच्चों को नानी दादी का सपोर्ट नहीं मिलता जो रियल में मॉरल साइंस पढ़ाती थी। आज बच्चों के सिबलिंग भी नहीं है, 1 या 2 बच्चे होते हैं उनको खेलने के लिए भी कोई साथी नहीं रहता और सबसे दुख की बात है कि माँ बाप भी नहीं रहते, वो भी घर से निकल जाते हैं अपने अपने जॉब। ऐसी स्थिति में किसी मेड किसी सर्वेंट के भरोसे बच्चा पढ़ता है। प्राउड टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ बिरला ओपन माइंड्स प्री स्कूल। द स्कूल इज फॉर इट हैज 4 क्लासेस 4 प्रोग्राम्स फॉर प्री नर्सरी नर्सरी K1 दैट इज किंडरगार्टन 1 2 years. Toilet training, doing their work on their own, to be self-dependent. The main prospect of this curriculum is to make the children future ready. Sir, आप देखेंगे जिस तरह का environment है यहाँ पे, जितना हम लोगों ने open space दिया हुआ है बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग प्री स्कूल मतलब ऐसे स्कूल जो कि grade 1 के लिए बच्चों की तैयारी कराता है, तो हमें बिरला के अंदर हम एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं। सिर्फ आप कहीं पे भी हमारे प्री स्कूल्स देखेंगे, सब जगह पे जो है प्लेइंग एरिया है, क्लासरूम्स भरे हैं, हवादार आपको दिखाई देंगे, प्लस जो पढ़ाने का हमारा वे वो टोटली और सबसे डिफरेंट है। नवगछिया स्टेशन चौक के समीप स्कूल में बच्चे को छोड़कर घर लौट रहे नया टोला निवासी अमन कुमार पर मील टोला निवासी कन्हैया कुमार ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में अमन के गर्दन पर जख्म हो गया। वहीं बीच सड़क पर चाकूबाजी करता देख स्थानीय लोगों ने कन्हैया को दबोच लिया और जमकर पिटाई करते हुए GRP के हवाले कर दिया। इधर घायल अमन को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक से आए थे, मैं छोटी बहन को स्कूल छोड़ के, तो हमको हाथ दे के पहले गाली दिया, तो हम बोले क्या बात है, तो हमको बोल रहा था कि मेरा पैसा बाकी आपने, हम बोले क्या पैसा, इतने में जो है वो चैन था सिक्कर वाला, उससे पहले यहाँ मारा, उसके बाद हमको नीचे खींच के लड़ाई करने। भागलपुर BN कॉलेज में शनिवार को विदाई समारोह आयोजित की गई। समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर नीलू कुमारी ने की। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झा को भावभीनी विदाई दी गई।
डॉक्टर झा राजनीति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष थे। समारोह में शिक्षकों ने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के योगदान की जमकर सराहना की। मौके पर प्रोफेसर रामाकांत पांडे, मोहम्मद इरशाद, कृष्ण मुरारी समेत कई शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्रा मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव का हुआ रंगारंग आगाज। वक्ताओं ने कहा, विक्रमशिला के विकास के लिए मुख्यमंत्री से करेंगे बात। भागलपुर मणवाड़ी कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ शुभारंभ। शिक्षकों ने कहा, शोध के क्षेत्र में खुलेगी नई राह। मुंगेर एसपी लिपि सिंह ने दियारा इलाके में चलाया छापेमारी अभियान, जमकर हुआ मुठभेड़, एक इनामी अपराधी सहित 2 गिरफ्तार। टीएमबीयू कॉपी बिक्री मामले में प्रति कुलपति पर उठ रहे हैं सवाल। कुलपति ने कहा, स्नातक से जुड़े मामले की जवाबदेही प्रोवीसी के पास। और होली को लेकर शराब की बढ़ी तस्करी, 0 माइल पुलिस ने ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।